और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो आपको बता दें कि सीएचसी और पीएचसी में टीकाकरण ठप हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वैक्सीनेशन अभियान जो चलाया जा रहा था उत्तर प्रदेश से, बड़ी खबर सामने आई है जहां पर वैक्सीनेशन ठप हो चला है। स्वास्थ्य केंद्रों से बेरंग लौट रहे हैं लोग। कोविन पोर्टल पर महज 19 केंद्रों पर बुकिंग व्यवस्था जारी है और इसी के साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन ठप हो चला है। अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ पाया। यूपी में अभी तक 21.5% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया रोक दी गई है, ठप पड़ी है। बिहार 10वें और यूपी 11वें नंबर पर है जहां पर वैक्सीनेशन ठप हो चुका है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये डाटा जारी किया गया है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी कम वैक्सीन लग रही है लोगों को। यूपी में अभी तक 21.5 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। और इसी बीच दिल्ली से वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश टॉप पर आया है। दिल्ली में बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है और इसके ताजा आंकड़ों के अनुसार आपको बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन में दूसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां पर तेजी के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि बिहार 10वें नंबर पर और यूपी 11वें नंबर पर है। आपको बता दें कि कोविन पोर्टल पर महज 19 केंद्रों पर बुकिंग की जा रही है और स्वास्थ्य अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। बड़ी एक लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर अब वैक्सीनेशन केंद्रों से लोग बेरंग होकर लौट रहे हैं, वैक्सीन नहीं लग पा रही है। वैक्सीन की समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है। कोरोना की आगामी तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन कार्य तेजी के साथ जहां किया जाना था, तो वहीं अब वैक्सीनेशन कार्य पर रोक लग गई है, ठप हो गया है वैक्सीनेशन कार्य। और इसी के बाद वैक्सीन के हाल जानने के बाद अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे थे कि टीकाकरण ठप हो गया है, स्वास्थ्य केंद्र से बेरंग लौट रहे हैं लोग। कोविन पोर्टल पर केवल 19 केंद्रों पर ही लोग टीका लगवाने जा पा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी और बिहार में कम लोगों को टीका लग रहा है। और इसी बीच आपको बताते चलें कि वैक्सीनेशन में हिमाचल टॉप पर है और इसी के साथ ही वैक्सीन में दूसरे नंबर पर दिल्ली है। और ताजा आंकड़े जो है डाटा के हिसाब से, जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है, उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि बिहार 10वें नंबर पर और यूपी 11वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये डेटा जारी किया गया है, जिसके अनुसार आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको लेकर ये आंकड़े साझा किए गए हैं। और आंकड़ों के अनुसार यूपी में अभी तक केवल 21.5% लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली से ये आंकड़े देखने को मिले हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वैक्सीनेशन में पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, तो वहीं दूसरे नंबर पर वैक्सीनेशन में दिल्ली है, जहां सबसे तेजी के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। इसी बीच बिहार 10वें नंबर पर और यूपी 11वें नंबर पर पहुंच गया है। बता दें, वैक्सीनेशन का कार्य ठप हो चुका है और इसके साथ ही अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ पाया है। बेरंग लौटना पड़ रहा है लोगों को बिना वैक्सीन के, और वैक्सीन की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है।